नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक हाइब्रिड कैटेगरी के फंड के ऊपर मैंने बनाया है। देखिए, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ फंड हमें सजेस्ट कीजिए, क्योंकि आप जो फंड सजेस्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए तो ठीक है, पर क्या शॉर्ट टर्म में अच्छे बेनिफिट्स दे पाएंगे। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए अलग से आपको फंड यहाँ म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छे बेनिफिट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो कौन से वो फंड हैं उसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। दोस्तों देखिए, कमेंट्स करने वालों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, काफी लोगों के वैसे तो कमेंट्स हैं। देखिए, एक अनिल दास जी का कमेंट है कि कंजर्वेटिव फंड के ऊपर वीडियो बनाइए, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए ही कमेंट है। और बाकी लक्ष्य कुमार करके कुछ आई आईडी से भी कमेंट आया हुआ है, इनका कहना है कि बेटी की शादी के लिए मुझे अगले 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो कौन से फंड में मुझे करना चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें कौन से प्लान्स में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों देखिए, अब रोजाना आपको मेरे चैनल पर 2 वीडियो देखने को मिलेगी, एक दोपहर के 2 बजे और एक शाम के 7 बजे। तो दोनों वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि अब जल्दी जल्दी आप सभी के जो डाउट्स हैं, जो मेरे पास कमेंट्स आ रखे हैं, मैं जल्दी जल्दी सभी के लिए वीडियो यहाँ पर बनाने वाला हूँ। और दोस्तों एक साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से और करना चाहूंगा, मेरा एक और चैनल है कहानीकार राहुल के नाम से, लोगो आप देख सकते हैं, इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं कहानीकार राहुल, चैनल आपको मेरा मिल जाएगा। दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिस तरह से आपने इस चैनल पर सपोर्ट किया है, आप मेरे उस चैनल पर भी जरूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। उस चैनल पर भी मैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये चीज तो क्लियर है। डेट फंड्स का मतलब है कि यहाँ आपका पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप प्योर डेट फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न्स उतने बढ़िया नहीं मिल पाएंगे, उससे तो अच्छा है कि आप बैंक में एफडीज वगैरह करा लें। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी हमें ऐसी देखने को मिलती है जिसमें हमारा कुछ पैसा डेट के साथ साथ इक्विटी में भी जाता है, यानी कि शेयर मार्केट में भी कुछ पैसा हमारा इन्वेस्ट किया जाता है, जहां से हमें अच्छे रिटर्न्स, बैंक के मुकाबले अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए देखिए, हाइब्रिड कैटेगरी का ये फंड है हाइब्रिड। अब आप एक चीज और समझिए, हाइब्रिड का मतलब क्या है। हाइब्रिड कैटेगरी का मतलब है यहां आपका पैसा डेट में भी इन्वेस्ट किया जाएगा और इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया जाएगा। हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर भी काफी सारी कैटेगरीज आती है, यहां मैं बात कर रहा हूं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अब देखिए, इस कैटेगरी में क्या होता है, इस कैटेगरी में आपका पैसा डेट में भी इन्वेस्ट किया जाएगा और इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया जाएगा। इक्विटी में आपका पैसा कितना इन्वेस्ट किया जाएगा डिपेंड उस पर करेगा कि आपके पैसे पर कितना रिस्क है। इक्विटी में मैक्सिमम 25% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, बाकी डेट में इन्वेस्ट किया जाएगा। देखिए, इक्विटी में जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उतना ही ज्यादा रिस्क हमारे पैसे पर रहता है, लेकिन यहाँ केवल मैक्सिमम 25% पैसा ही इक्विटी में जाना है, मैक्सिमम पैसा डेट में रहना है, तो यहाँ इस फंड में आपको बहुत ज्यादा रिस्क देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को देख सकते हैं। अब इस कैटेगरी के एक फंड के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि ये जो टॉपिक है आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए, फंड का नाम है कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी में SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। फंड का नाम मैं यहां लिख देता हूं SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। चलिए, अगर इसके फंड साइज की मैं बात करूं, वो आपको देखने को मिलेगा 9482 करोड़ रुपए का, कुछ इतना बड़ा फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो 0.62% का हमें देखने को यहां मिल जाता है। अगर मैं यहां पर होल्डिंग्स की बात करूं, देखिए होल्डिंग्स में क्लियर हो जाएगा कि हमारे पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किस तरह होना है। देखिए, इक्विटी में यहां इन्होंने पैसा कितना रखा है, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में कितना पोर्शन जाएगा, वो जाएगा 22.9%। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैक्स 25 तक ही ये
रख सकते हैं। यहाँ इन्होंने लगभग 23% पैसा इक्विटी में रखा है और बाकी पैसा हमारा डेट में इन्वेस्ट किया जाएगा। डेट में जितना पोर्शन पैसे का रहता है वो पैसा हमारा सेफ रहता है। लेकिन देखिए, इक्विटी में पोर्शन कम होने की वजह से आपको बाकी जो फंड्स की कैटेगरी आपको देखने को मिलती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, उनके मुकाबले रिटर्न्स आपको यहाँ कम जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस फंड ने रिटर्न्स कितने जनरेट किए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है, लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स हम लोग देख लेते हैं। 11.69% के रिटर्न्स इस फंड ने हमें बनाकर दिए हैं, लगभग 11.5% के रिटर्न्स। देखिए, बैंक के मुकाबले ये रिटर्न्स आपको फिर भी अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अगर देखिए आप रिटर्न्स अच्छे चाहते हैं तो थोड़ा सा ड्यूरेशन आपके पास लंबी होनी चाहिए और पैसे को आप फिर हाइब्रिड कैटेगरी से निकालकर और किसी कैटेगरी में, यानी कि आप इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, लार्ज कैप में डाल सकते हैं, मिड कैप में डाल सकते हैं, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना है, बहुत ज्यादा रिस्क में पैसे को नहीं इन्वेस्ट करना है, बैंक के मुकाबले थोड़े से रिटर्न्स आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो फिर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को देख सकते हैं। डिटेल मैंने आपको इस फंड के बारे में बताई, बाकी देखिए अब थोड़ा सा लमसम कैलकुलेटर हम लोग देख लेते हैं। मानकर चलते हैं कि आप इसमें अगर 1,00,000 रुपए का लमसम करते हैं तो कितने पैसे आपके यहाँ बन सकते हैं और बैंक के मुकाबले कितना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा वो भी समझते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ लमसम किया 1,00,000 रुपए का, यहाँ रिटर्न्स की मैं बात करूं 11.69 है, 11 ही रख लेते हैं। और अगर आपने यहाँ पर लगभग 5 या 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए 6 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, तो आपकी 1,00,000 रुपए की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1,87,000 रुपए। चलिए यहां मैं लिख देता हूं, 1,00,000 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1.87 लाख। ये हुई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में। वहीं अगर आपने यही 1,00,000 रुपए बैंक में इन्वेस्ट किए, वो भी देख लेते हैं, 1,00,000 रुपए बैंक में आपने इन्वेस्ट किए, बैंक में आपको एफडी पर लगभग 6.5 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है, मैं यहाँ 7 रख लेता हूँ, वही 6 साल के लिए अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो 1,00,000 रुपए की वैल्यू हो जाएगी 1.51 लाख, 1,51,000 रुपए। तो यहाँ बैंक के मुकाबले आपको थोड़े से एक्स्ट्रा रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल एक बार आप SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को जरूर देखिएगा। बाकी फिर से मैं टॉपिक पर आता हूं, जो कमेंट मुझे किया था इन्होंने, लक्ष्य कुमार जी का आईडी से मुझे कमेंट आया था, इनको 2,000 रुपए की एक SIP भी करनी है अगले 6 साल के लिए। देखिए, अगर आप 2,000 रुपए की SIP करना चाहते हैं 6 साल के लिए, तो आप SIP का जो पैसा है 2,000 रुपए, आप वो किसी लार्ज कैप फंड में, किसी ब्लू चिप फंड में अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपको ब्लू चिप फंड्स आपके लिए मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेंगे। आप मिड कैप या स्मॉल कैप में ना जाकर डायरेक्टली आप किसी ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2,000 की SIP है। देखिए, ब्लू चिप फंड्स में आपको लगभग 16% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में 13% के रिटर्न भी मिलते हैं, आप 6 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,44,000 हो जाएगा और उसकी वैल्यू 2,18,000 चली जाएगी। 2,000 रुपये पर मंथ की SIP। एक कमेंट मेरे पास आया था, इनको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के साथ साथ एक 2,000 की SIP भी करनी है 6 ईयर्स के लिए। अगर आप करते हैं 13% के रिटर्न्स पर मैं कैलकुलेशन करूं, तो आपके जो पैसे की वैल्यू है 2,000 रुपये महीने की, जो आप SIP कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 2.18 लाख, 2,18,000 रुपये की वैल्यू आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, यही आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों के मन में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई कंफ्यूजन आ रहा हो, बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 2 वीडियोस आपको रोजाना देखने को मिलेगी मेरे चैनल पर, तो जल्दी जल्दी मैं आप सभी लोगों के डाउट्स यहां पर क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक पूरी तरह से आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।